और मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रतलाम जिला मुख्यालय स्थित खाचरुद रोड पर अवैध संचालित मदरसे पर बाल संरक्षण आयोग की टीम पहुंची। यहां 5 से लेकर 15 साल तक की बच्चियों को अलग अलग कमरों में ठूस ठूस कर रखना पाया गया। इनमें से एक बच्ची जिसे तेज बुखार था, वह भी नीचे चटाई के बिना फर्श पर दर्द से कराहती पाई गई। मध्य प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग SCPCR जब अचानक यहां पहुंचा तो स्थितियां देखकर दंग रह गया। SCPCR की सदस्य डॉक्टर निवेदिता शर्मा जैसे ही बालिकाओं से मिलने मदरसा दारुल उलूम आयशा सिद्दीका लिलबिनाथ के अंदर कक्ष में गई तो बच्चियों की हालत देखकर एक तरफ उन्हें जिम्मेदार लोगों पर भयंकर गुस्सा आ रहा था तो दूसरी तरफ स्वयं को वे भावुक होने से नहीं रोक पाई। उन्होंने मदरसा संचालकों से पूछा, मेरे मध्य प्रदेश की बेटियों को भेड़ बकरियों की तरह कैसे रखा, जिसका कि जिम्मेदारों के पास कोई जवाब नहीं था। देखिए, बेसिक जो हमको जानकारी बाहर से मिली थी, कुछ स्रोत से जानकारी इस प्रकार की मिली थी कि गैर मानवीय तरीके से बच्चे यहाँ रह रही है, तो प्राइमरी फेस यही कंसर्न का सब्जेक्ट मैटर था कि क्या वास्तव में गैर मानवीय तरीके से रह रही हैं। तो जो है जांच का मुख्य बिंदु इसी पे केंद्रित था और यही चीज़ें यहाँ पर जांची है। कितनी बच्चियाँ जी? कितनी बच्चियाँ हैं? लगभग जो है 100 के आसपास बच्चियाँ हैं यहाँ पर जी। तो मदरसा अनुमति से चल रहा है कि बिना अनुमति से चल रहा है? देखिए, यहाँ पे समिति का पंजीयन है और समिति इसको रन करती है और पंजीयन के संबंध में डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, वो लोग सबमिट करेंगे, समय मांगा है। बाल आयोग के सदस्य भी आए थे जिन्होंने यहाँ पे स्थिति देखी थी, उसके बाद में देखिए उसके संबंध में कोई विस्तृत निरीक्षण का कोई प्रतिवेदन या कोई टीप या ये मेरे जानकारी में अभी तो नहीं है। चूँकि ऐसी जानकारी मिली थी कि गैर मानवीय तरीके से यहाँ पे बच्चियाँ रह रही, तो प्राइमरी फेस एक कंसर्न का सब्जेक्ट मैटर होता है, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर आकर चेक किया है कि क्या वास्तव में ऐसा है कि गैर मानवीय तरीके से बच्चियाँ रह रही। मदरसा बोर्ड के लिए बताया कि मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की अनुमति मान्य रहती है, इनके पास वो नहीं है। देखिए, मैंने चर्चा की है, इन लोगों से पूछा है, पर शायद मदरसा बोर्ड का पोर्टल जो है वो 2-3 सालों से रन नहीं कर रहा है, ऐसा ये लोग मुझे बता रहे हैं। अनुमति के संबंध में और डॉक्यूमेंट मैं कलेक्ट कर रही हूँ, जब मिल जाएंगे उसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बच्चे सभी स्कूल जा रही हैं, क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ पर जो है बेसिक जो इनका एजुकेशन होता है अपार्ट फ्रॉम स्कूल एजुकेशन, वो यहाँ पर होता है, जिसमें ये अरबी और अपने कुरान वगैरह ये सब पढ़ने की एजुकेशन लेती हैं। ये 4 साल का इनका कोर्स होता है, 2 से 4 साल का होता है, ये केवल उस तक लिमिटेड है, वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है जो मध्य प्रदेश शासन जो है देता है, वो अलग स्कूल इस प्रमाइसेस में रन हो रहा है वहाँ पर है। यहाँ पर हमने लोगों से चर्चा की है कि इसको उससे भी जोड़ने की कोशिश वो करेंगे। जेंट्स भी यहाँ पर रहते हैं? छात्रावास के अंदर नहीं रहते हैं, आउटसाइड रहते हैं, जो क्लासेस चलती है उसमें पढ़ाने वाले ज़रूर जेंट्स हैं, लेकिन लड़कियाँ जहाँ रहती हैं वहाँ पर उनके केयर टेकर एक फीमेल रहती हैं। इनके जो छात्रावास में उनके अंदर CCTV लगी, इस तरह की चीज़ें समझाई थी? देखिए, इस संबंध में मैंने चर्चा की है इन लोगों से कि CCTV के संबंध में, तो जहाँ क्लासरूम है नो डाउट वहाँ पे तो कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ बच्चियाँ रहती हैं, बहुत सारी बच्चियाँ, उनके वैल्यूएबल्स भी रहते हैं, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने पहले कैमरे लगाए गए थे, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया है मौखिक रूप से, लेकिन कल जो जांच हुई उसके बाद में इन्होंने ये कैमरे निकाले हैं। और इनका मेन कंसर्न इन्होंने यही बताया है कि बच्चियों के सामान चोरी ना हो, और रही बात ये कि बच्चियों की कोई प्राइवेसी है तो बच्चियों का वजू खाना, नहाने का इंतज़ाम और कपड़े बदलने की जगह ये दूसरी है, उस कमरे में नहीं है, ऐसा मुझे अवगत कराया गया है। अवैध मदरसे में कई बच्चियां आधुनिक शिक्षा से पूरी तरह दूर पाई गईं। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE का सीधा उल्लंघन है। इसमें देश के प्रत्येक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। यहाँ इन बच्चियों को इस्लामिक शिक्षा देने के नाम पर आधुनिक शिक्षा से पूरी तरह से दूर रखा जाता हुआ पाया गया। इन बच्चियों को भी आधुनिक शिक्षा लेने का देश के अन्य बच्चों की तरह ही अधिकार है। जब यह अपना निजी स्कूल कक्षा 10वीं तक संचालित कर रहे हैं, तब मदरसा संचालकों को अपने स्कूल में या बाहर जहां भी ठीक लगता है इन सभी बच्चियों का विधिवत दाखिला करवाना चाहिए था, जो कि यहां नहीं पाया गया। कुल 100 बच्चियों में से सिर्फ 40 बच्चियां ही पढ़ाई कर रही हैं। बाल आयोग के सदस्य आए थे, उनका कहना था कि यहाँ पर बच्चियाँ ठूस ठूस के भरी गई थी, कमरों के अंदर कैमरे लगे हुए थे। आज प्रशासनिक अमला आया था, क्या देखा, क्या पाया? देख लिया उन्होंने सभी, सारी जो मैडम ने जो बताया था सारी बातें कर लेते, उन्होंने खुद चेक कर लिया, बोले बहुत ज़्यादा कमरे हैं यहाँ तो, बड़ी फैसिलिटी है, बच्चे आराम से हैं, बड़े स्पेस है यहाँ। मदरसा बोर्ड की अनुमति नहीं है बता रहे थे, तो किससे अनुमति करके आप संचालन कर रहे हैं? ये इसकी कमेटी बनी हुई, पुरानी जो कमेटी है उसके आधार पर संचालित हो रहा था ये, और मदरसा बोर्ड का जो है वहाँ से पोर्टल बंद है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जैसे ही चालू होगा हम उसकी अनुमति ले लेंगे।
सरकारी घर में डॉक्यूमेंट कोई भी हो हमें तो सब उसी के आधार पर चलना है, हमें अगेंस्ट गवर्नमेंट के जाना ही नहीं है, उसके आधार पर सब काम कर रहे हैं हम। कितनी लड़कियां हैं अभी? 100 बच्चे आए मदरसे में। कहाँ कहाँ से आई है? सब आसपास रतलाम के अलावा, जो है आसपास रतलाम के आसपास के अलावा उज्जैन इंदौर जिले तक की भी हैं। मैडम का कहना था कि स्कूल में मदरसे में 100 बच्चे हैं लेकिन 40 स्कूल जा रहे पा रही, साथ नहीं जा पा रही है, सबका ठीक है। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली और मैडम से कर लिया, सब मशवरा करके एडवाइस करके इन बच्चियों को उधर शिफ्ट कर देंगे। ऐसे इनकी जो बेसिक ये एजुकेशन तो हम दिलवा ही रहते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ्स वगैरह तो हम दिलवा ही रहते हैं यहाँ से। और जैसे हमारी नई कमेटी बनी है, इसके पहले जो कमेटी थी हमें पता नहीं था क्या हो रहा था, अभी 6 महीने पहले जो कमेटी बनी है और उसमें भी ये वैकेशन का सीज़न चला गया। अब जैसे जैसे नई नई बातें हमारे सामने आएगी और जो भी कमियाँ हमें लगी हम उन्हें बिल्कुल सुधार करेंगे, हम तो बेहतर से बेहतर बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे उसको। परिसर में स्कूल भी है, कब तक की मान्यता है? अभी 12 तक की मान्यता अभी हुई है इसकी, इसके पहले 8 तक की मान्यता थी इसमें। अभी 240 करीब एडमिशन है इसमें, 240 से करीब। फैकल्टी शिक्षक? शिक्षक करीब 10-12 टीचर हैं वहाँ पे जी। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में रतलाम पुलिस को एक वर्ष की मेहनत के बाद बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस रतलाम सहित आसपास के 5 जिलों के पीड़ितों के 44 लाख वापस भारत लाने में सफल हुई है। इस पूरे फ्रॉड के मुख्य आरोपियों तक भी पुलिस पहुंच चुकी है, उन्हें आरोपी बनाकर अब रतलाम पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देश पर जब पुलिस ने इस टेक्निकल मामले की जांच शुरू की तो एक के बाद एक कई परतें खुलती गई और इंटरनेशनल फ्रॉड का मामला सामने आया। एक वर्ष पूर्व पुलिस ने इस मामले में रतलाम से हुजैफा जमाली और गोविंद सिंह चंद्रावत सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो फ्रॉड के तार देश के दूसरे हिस्से एवं विदेश तक जुड़े मिले। पुलिस ने दूसरे प्रदेश से योगानंद बमोरे नामक व्यक्ति को भी इस फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार किया। इसके बाद रतलाम पुलिस ने विभिन्न माध्यमों और ओपन सोर्स से जानकारी प्राप्त कर लगभग 10,48,000 TRC-20 के एड्रेस प्राप्त किए, जिसमें MTFE QR कोड द्वारा बड़ी मात्रा में रुपए का लेन देन अलग अलग देशों से किया जाना पाया गया। रतलाम पुलिस द्वारा जांच में सामने आया कि भारत सहित श्रीलंका, बांग्लादेश, सिंगापुर, पाकिस्तान एवं नाइजीरिया में भी इस प्रकार का फ्रॉड MTFE द्वारा किया गया है। पुलिस के अनुसार TRC-20 से करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए लगभग 56 काउंटर पार्टी एक्सचेंज का उपयोग किया गया। MTFE का जो मामला पिछले साल अगस्त में हम लोगों ने कायम किया था, जिसके अंदर लगभग 8 लोगों को हम लोग पहले गिरफ्तार कर चुके हैं, उसमें जो पैसा लोगों का हमारे पास शिकायत आई थी कि ये पैसा जो है वो जा चुका है, उसको ट्रेस करते करते जो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू बाइनेंस की जो एक कंपनी है जो पहले उसका चाइना में स्थापित हुई थी और उसके बाद अभी जापान और सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, उससे हम लोगों ने अब 44 लाख रुपीज़ जो है वो जब्त कर लिए है। अलग से उनके द्वारा जो है वो पैसा वापस लौटाया हुआ है, उसको अभी हम लोगों ने जब्ती में लेकर और इन्वेस्टिगेशन में आगे ले रहे हैं। इसमें जो आरोपी हैं, बड़े आरोपी हैं, इन तक कैसे पहुंचे और इनने क्या बताया? इसके अंदर जो हम लोगों ने अभी तक 8 आरोपी गिरफ्तार कर चुके हैं और अभी इसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान में ये चीज़ें सामने आई है कि एनाकू पेमे और मर्सी पेमे, ऐसे दो नाम आए हुए हैं जो मणिपुर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा MTFE ऐप के अंदर जो है कि बड़ा इनका योगदान है बनाने में और ये फ्रॉड करने में, तो उन दोनों को अभी आरोपी बना लिया गया है। पुलिस उसके अंदर प्रयास कर रही है, साथ साथ में उनका इनके ऊपर पहले एक और मामला दिल्ली में भी कायम हो चुका है, जिसके अंदर इन्हीं के जो रिलेटिव है जो चाइना से एक रिलेशन रखते हैं, वो ज्वांग ज्वांग करके एक व्यक्ति भी है, तो उसका भी कुछ नाम आया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। प्राइमा फेसी अभी एनाकू पेमे और मर्सी पेमे को आरोपी बनाकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। साम्राज्य फैला हुआ था, इनको कैसे आप लोग? ये जो है लगभग जो फ्रॉड है ये श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, साथ साथ में इंडिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान, ये जगहों से भी फ्रॉड हुआ है जब हम लोगों ने ये बाइनेंस के साथ में
पत्राचार किया है, तो उसमें हम लोग ये जानकारी में आया कि अलग अलग देशों में भी फैला हुआ, वहाँ पे भी फ्रॉड हो रहा है करके। तो इंडिया की तरफ से तो हम लोगों ने हमारी तरफ से पत्राचार किया भी है और साथ साथ में अभी बड़ी मात्रा में जब्ती भी की है। ये लगभग पूरे एक साल के अंदर हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले तो जितने भी लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ था तो एक वीडियो अपील जारी करके QR कोड भी मंगवाए थे। तो कुछ QR कोड्स भी हमारे पास में आए जिनके थ्रू लोगों ने पैसा उसमें जमा किया था। उन QR कोड के थ्रू हम लोगों ने उनके जो वर्चुअल एड्रेसेस है उसको डिटेक्ट भी किए, साथ साथ में वो पैसा जिस तरीके से फ्लो होता गया वैसे बड़ी मात्रा में लगभग 10,48,000 जो इनके TRC20 के नेटवर्क के एड्रेसेस है उसको भी एनालाइज करके और फिर आगे प्रयास किया गया कि उसके अंदर जो कंपनीज इन्वॉल्व है उसमें से जो बड़ी मात्रा में पैसा गया हुआ है बाइनेंस में उनके साथ में संपर्क कर और फिर वो पैसा जो है 2-3 बार उनके साथ में मीटिंग भी की गई, लगातार पत्राचार भी किए गए और भी जो उनको आवश्यक सरकार कानूनी दस्तावेज थे, कोर्ट का आदेश हो गया या जो FIR की कॉपी के साथ साथ में और भी उसके अंदर डिटेलिंग जो है वो सारी अवेलेबल करवाई गई और उसके बाद में फिर वो पैसा जो है वो हम लोगों को आज वापस प्राप्त हुआ है। जावरा बांडा खाल की पुलिया पर एक आदमी आज दोपहर के वक्त गाड़ी में कट गया। मिली जानकारी के अनुसार उज्जैन चित्तौड़ पैसेंजर गाड़ी ट्रेन से यह हादसा हुआ। वहीं ट्रेन से कटे व्यक्ति की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव को PM के लिए शासकीय चिकित्सालय भिजवाया। वहीं पुलिस अब आगे की जाँच कर रही है।